हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर जो कि है सेट थ्योरी। क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि सेट थ्योरी स्टार्ट करो, नहीं तो मैंने प्रोबेबिलिटी करना था, लेकिन आप लोग बोल रहे थे सेट थ्योरी करो, तो इसीलिए मैं सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैक्सिमम जो डाउट्स आते हैं वो आते हैं एक तो सेट थ्योरी में, एक आते हैं आपको प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा इनमें। ठीक है, तो ट्रस्ट करोगे मेरे पे तो आप लोग देखोगे कि बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आपको अपडेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट थ्योरी अपना। पहले आते हैं सेट पे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जैसे सब पढ़ते हैं कि हाँ सेट क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, नहीं पढ़ेंगे हम। पहले रोज़मर्रा की ज़िंदगी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हो मम्मी को कि मम्मी कल राजमा बनाना, ठीक है कल चने बनाना, तो क्या है वो एक सेट है। कैसे सेट है? क्योंकि आपने एक वेल डिफाइंड चीज़ बोली। ठीक है, आपने मतलब एक वेल डिफाइंड चीज़ बोल दी कि हाँ कल राजमा ही बनेंगे या कल राजमा बनाना। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड चीज़ होगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक सेट। हम मोमोज़ खाने जाएंगे किसी पर्टिकुलर शॉप पे, आप शॉप का नाम मतलब उस पे आप मोमोज़ खाने जाओगे, तो एक पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हो, वेल डिफाइंड हो गया आपका ऑब्जेक्ट कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, मोमोज़ खाने जा रहे हो और पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हो, तो क्या हो गया? वो भी एक सेट हो गया। अब आ जाते हैं अपनी मैथ में। ऑड नंबर्स लेस देन 7 क्या हो गया? 135 वेल डिफाइंड हो गया। रिवर्स ऑफ जी एन के पढ़ाया मैंने, क्या हो गया? चनाब, झेलम, ठीक है रावी, ये सब आ गई तो वेल डिफाइंड हो गया। वॉवल्स इन कश्मीर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए ई आई ओ यू वेल डिफाइंड। उसके बाद नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 ये भी वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो सेट क्या हो गया? जनरली सेट हो गया, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप बोलोगे, सपोज आप लोगों ने बोला कि 10 बेस्ट मेम्बर्स, ठीक है किसी भी चीज़ में, या बेस्ट मेम्बर्स ऑफ टीम ऐसे बोल दिया आपने, 10 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ टीम बोलो। ठीक है, अब मेरे लिए 10 बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो कुछ अलग होंगे, आप लोगों के लिए कुछ 10 मेंबर्स अलग होंगे, किसी और के लिए वो 10 मेंबर्स अलग होंगे, तो उसको एक वेल डिफाइंड हम लोग नहीं बोलेंगे, वो एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए अलग है, तो वो एक सेट नहीं होगा, याद रखना। दिया किसने था? इट इज़ गिवन बाय मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन थे, कौन? जॉर्ज कैन टूर। ठीक है, उन्होंने दिया था सेट थ्योरी को। आगे चलते हैं, आगे है कुछ, पहले हम लोग नोटेशंस पढ़ लेते हैं जो कि सेट थ्योरी में बड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। कौन कौन सी नोटेशंस हैं? पहले है हमारा एन है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आगे इन्फाइनाइट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एन। जेड को बोलते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू जो है हमारा रैशनल नंबर्स है। आर जो है हमारा रियल नंबर है। ठीक है, अगर जेड पॉजिटिव बोल देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जेड नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। सिमिलरली क्यू पॉजिटिव बोलेंगे तो रैशनल नंबर पॉजिटिव, ठीक है, और आर पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, समझ गए? ये आपको आगे आएंगे सेट थ्योरी में, हर जगह ये, काफ़ी जगह ये यूज़ होते हैं, तो ये आपको इसकी नोटेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, आगे है आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है सेट है और कौन सा सेट नहीं है, साथ साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। पहले है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो बताओ ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है? सर देखते हैं, चलो देखो, जैन जे से स्टार्ट होता है, फेब जे से स्टार्ट होता है। सर क्या बोल रहे हो, फेब थोड़ा ना जे से स्टार्ट होता है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है, तो क्या हो गया? जैन हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। ठीक है, तो वेल डिफाइंड है एक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड अलग होंगे, आपके लिए अलग होंगे, सबके लिए अलग होंगे, तो ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट आता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। अगेन बेस्ट क्रिकेटर आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब मेरी क्लास में जो कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है तो वो क्या है? वेल डिफाइंड है ना, मुझे तो पता होगा ना मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है। या जो भी बच्चा देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उसको पता है ना उसकी क्लास में कितने हैं, तो वो वेल डिफाइंड हो गया। आ गया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो वेल डिफाइंड है, मतलब सेट है।
नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब अगर सिर्फ कलेक्शन ऑफ नॉवल्स होता तो ये वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद आ गया तो पर्टिकुलर आ गया ना इसमें, तो ये वेल डिफाइंड हो गया कि इन्होंने जो भी लिखी है तो ये सेट है. आगे अगर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी सेट है. नेक्स्ट है अपना द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. अब जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है उसमें कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो एक वेल डिफाइंड है. अब सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है या फिर ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है. आपको इतना तो पता ही होगा कि ना ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, मतलब ये भी सेट है. उसके बाद है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. आपके लिए डेंजरस अलग है, मेरे लिए डेंजरस अलग है, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, अब आ गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं. पहला आ गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है. एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं कि हम लोग लिख देते हैं कि सेट लिखो जिसमें नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 से 10 में, ठीक है. क्या लिखते हैं उसमें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 या 1 to 100 ऐसे, तो वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख रहे हैं ना, हम लोग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसकी कि सेट ये होगा सॉरी, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. अभी देखते हैं बाकी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है. पहले आते हैं रोस्टर फॉर्म में. अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय अ कॉमा, ठीक है. ऐसे लिखते हैं, आपको पता है सेट को लिखते हैं किसमें, कर्ली ब्रेसिस में, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसिस, इसके बीच में लिखते हैं और जो भी एलिमेंट होगा उसको सेपरेट करेंगे बाय अ कॉमा, तो वो कौन सी होगी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है. और सेट थ्योरी में एक बात आप लोग याद रखना, हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सेट थ्योरी में हम लोग एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, ठीक है. सेट थ्योरी में एलिमेंट रिपीट नहीं होते. लाइक हमको जम्मू का सेट बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एम दो बार आ रहा है तो हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे, हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है. नंबरिंग आप लोग कैसे भी कर सकते हो, ए जे एम यू भी लिख सकते हो, यू एम ए जे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिखो, लेकिन एम जो है वो एक ही बार आना चाहिए. वैसे अगर आपके पास कोई सेट है, मतलब आपको सेट बनाना है, जैसे है 1 1 2 3 ऐसे कुछ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है. तो हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे 1 को, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आगे काफ़ी बार आपको आएगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में. अब सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं या क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, पहले आता है एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है, जो भी सेट में है, ठीक है, ऐसे सेट होता है इसमें जो भी होंगे उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है. पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, उसके बाद आता है एलिमेंट क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट क्या बोलना चाहता है वो आता है यहाँ पे दिखाता है, वो उसी हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं. ये सेट बिल्डर फॉर्म का क्या है, एक सिंटैक्स टाइप आप मान लो कि ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखते हैं कैसा होता है, ये ऐसा होता है, देखो पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका एलिमेंट, तो ये क्या है, एलिमेंट, ठीक है. अब एलिमेंट में आके आ रहा है, डिफाइन क्या कर रहा है वो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है. अब ये सेट क्या बनेगा, एक्स जो आएगा क्या आएगा, ए में, ए इक्वल टू एक्स में क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा, तो ये बनेगा इसका सेट. नेक्स्ट आ गया बी, बी में एलिमेंट क्या है, जेड, और जेड क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो क्या आते जाएंगे, 1 3 5 7 9 ऐसे आते जाएंगे ये. अब एक सिंबल आपको ये जो है ये बड़ी बार देखने को मिलेगा, हर जगह मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा, ये होता है बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू मतलब कोई सेट जो है कोई या कोई एलिमेंट जो है वो किस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बिलोंग्स टू आपको याद रखना है, ये इसका साइन होता है. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में से. अगर आपको टाइप्स आ जाती होंगी तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको टाइप्स में से ही क्वेश्चन वो पूछ लेंगे. तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी जैसे आपको नाम पता चल रहा है, एम्प्टी सेट खाली, ठीक है, खाली मतलब कुछ नहीं है, नो एलिमेंट, तो नो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, इसमें एलिमेंट ही कोई नहीं है, खाली है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आलू का पेट कटा. एम्प्टी मतलब भूख लगी, अब भूख लगी है तो फ्रेंच फ्राइज तो खाएंगे ना, तो आलू को काटना पड़ेगा, ये आलू है उसको काट दिया फ्रेंच फ्राइज के लिए, तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं इसको, फाई, ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं, फाई, एफ आई बोलो या पी एच आई बोलो, तो फाई इसका नाम है. इसको एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि क्या होता है, हमने किस में रिप्रेजेंट किया, सेट बिल्डर फॉर्म में, वाई एलिमेंट है और वाई क्या डिफाइन कर रहा है, वाई इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. आप मेरे को बताओ कौन सा ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है. आप सोचने लगोगे, लेकिन ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है. 2 ही एक प्राइम नंबर है सिर्फ,
इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर सिर्फ टू है, और जो है वो इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं है, सारे ऑड हैं, तो इसीलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। उन्होंने बोला ग्रेटर देन टू, तो टू से ग्रेटर कोई भी नहीं है इवन प्राइम नंबर, तो इसमें क्या आएगा, जीरो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर। आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है, तो एक्स की वैल्यू या तो माइनस टू हो सकती है या तो फिर टू हो सकती है, ठीक है, तभी हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर आएगा। लेकिन उन्होंने आगे बोला है कि एक्स ऑड होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई ऑड है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या आएगा, जीरो एलिमेंट। इसको भी क्या बोलेंगे, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगली टाइप पे, अगला है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सर ये तो हमको आ जाता है, नाम से पता चल रहा है, छोड़ो इसको, ठीक है, रहने देते हैं। नहीं नहीं सर पढ़ा दो, एक बार पढ़ा दो, ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो क्या है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, क्या है फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसको हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट हो गया जिसमें इनफाइनाइट नंबर है जिसको हम नहीं गिन सकते। सिंपल, ए आ गया 1, 2, 3, जैसे बी आ गया 1 to 100, इसको हम गिन सकते हैं, इसको भी हम लोग गिन सकते हैं, तो क्या है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है लेट ए बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब हमारे पास आपको पता है दो चीज़ें हैं, एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होती है वो वेल डिफाइंड होती है, जो लाइन होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, मतलब उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो चलती जाती है। तो उस पर अगर लाइन ही चलती जा रही है तो उस पर जितने मर्जी पॉइंट आप लोग ले सकते हो ना, तो मतलब इनफाइनाइट हो गया, तो ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आ गया एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने ये बोला था ये क्या है, बिलोंग्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। तो कितने सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, काफ़ी सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। अब वीक में 8 दिन होते हैं, है ना, नहीं सर 7 होते हैं, अच्छा ठीक है, तो 7 ले लो, तो वीक में 7 दिन होते हैं, तो मतलब ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, और ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो इसको क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो आई होप आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ आ गया होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे अभी। क्वेश्चंस क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बताया था आपको लीनियर इक्वेशन में। अब एक्स के पैरेलल ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ये 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 ये, नीचे नीचे करो, ऊपर करो, जहां मर्जी, तो इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आ गया अ सेट ऑफ लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फा, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब सर इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं क्या, नहीं नहीं सर, ए से लेके जेड तक, तो मतलब गिन सकते हैं, तो फाइनाइट होते हैं, तो मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अगला आ गया द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ, अब 5 के मल्टीपल्स कितने सारे हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट है। समझ आ गया ये चीज़। नेक्स्ट है दो एग्जाम्पल और देखते हैं, अ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कितने सारे एनिमल रहते हैं अर्थ पे, हाँ कितने सारे एनिमल रहते हैं ज़रूर है, लेकिन ये फाइनाइट सेट है क्योंकि आप गिन सकते हो। जैसे कितने सारे इंसान भी तो है लेकिन गिनते हैं ना, सेंसिस करते हैं, गिनते हैं ना, वैसे ही सेट ऑफ एनिमल्स भी हम लोग गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0, सर फाइनाइट होंगे, कैसे होंगे फाइनाइट, सर ये ओरिजिन है, इसमें से एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, दो, तो सर यही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसमें से ये 3, ये 4, ये 5 ऊपर करो ऐसे, तो कितने हो गए, इनफाइनाइट, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, तो क्या हो गया, ये सेट भी इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट आते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। मतलब सर समझ नहीं आया कुछ, सही से समझाओ ना, ठीक है, क्या बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट ए का अगर बी में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स, और हर एक एलिमेंट ऑफ बी भी जो है वो ए में होना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर हर एक एलिमेंट ए का बी में है और बी का ए में है, मतलब सेम एलिमेंट्स होंगे इसमें, हाँ सेम एलिमेंट्स होंगे। सर एक बार फिर से सोच लो, सेम होंगे ना, हाँ बेटा सेम एलिमेंट्स होंगे। सर एक बार फिर से सोच लो, मैं अभी गलत प्रूव करने वाला हूँ आपको, नहीं नहीं सेम ही होंगे, चलो आगे देखते हैं। तो ये आ गया ए और बी, सर ये बताओ ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, हाँ इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, हाँ ये इक्वल होंगे। तो सर अभी आपने बोला था कि इक्वल होंगे तो इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, अभी आप बोल रहे हो कि इसमें एलिमेंट 7 है, इसमें एलिमेंट 4 है, आप बोल रहे हो ये इक्वल है। तो मैंने आपको स्टार्ट में जब पढ़ाया तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, मैंने रोस्टर फॉर्म पढ़ाया तो मैंने बताया कि सेट में हम लोग रेपिटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, जो रेपिटेशन वाले नंबर है उसको एक ही बार में लिखते हैं। तो ये 1 एक ही बार लिखेंगे, सॉरी 1 जो है वो एक ही बार लिखेंगे, 2 भी एक ही बार लिखेंगे, 4 भी एक ही बार लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 ही लिखेंगे, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, खुश हो गए ना आप लोग, ठीक है, तो ये इक्वल सेट हो गए।
नेक्स्ट आ गया सबसेट। देखो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, वीडियो आपकी 20 मिनट से 22 की जा सकती है, 23 की जा सकती है, लेकिन आपका कंसेप्ट जो है वो एक से दो नहीं होगा, बिल्कुल भी कंसेप्ट आपका छेड़ूंगा नहीं, पूरे कंसेप्ट बनाऊंगा, वीडियो चाहे लंबी हो जाए कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, सबसेट आता है। सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया, अच्छी तरह से समझाओ। ठीक है, तो क्या है, हमने एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी। अब देख रहे हैं हम लोग कि ए जो है 1, 2 है और वो बी में भी है, मतलब अगर बी से हम लोग एक सेट निकाले 1, 2 तो वही है ए, ठीक है। तो बी का बच्चा क्या है, ए, ऐसे समझ लो कि बी का जो है बच्चा है ए, मतलब बी में ए आ रहा है, तो मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का, ए जो है वो बच्चा है बी का, और बी अगर बोले तो बी क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी, और बी क्या हो गया, सुपर सेट मतलब बाप, सुपर सेट मतलब बाप हो गया ए का बी, और ए क्या हो गया बच्चा उसका, मतलब सबसेट हो गया। अब सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सबसेट नहीं होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में कभी कभार आपको पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं या तीन एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, कितने सबसेट उसके बनेंगे। एक दो होंगे तब तो आप बना के देख सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने 10 बोल दिया तो आप बना के नहीं देख सकते हो उसको। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है 2^n या फिर 2^n-1। अब ये क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट होता है एक और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे ये 1, 2 है, इसका हम सबसेट बनाएंगे तो एक बनेगा 1, ठीक है, एक बनेगा 2, एक तो 5 आएगा क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, वो तो हर एक का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट आप यहाँ भी लिख सकते हो तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा उससे, तो एम्प्टी सेट जो है वो हर एक का सबसेट होगा। दूसरा, अगर दूसरा ए का 1 बनेगा, तीसरा बनेगा 2 और चौथा बनेगा 1, 2, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर में ये चीज़ नहीं आती, जो कि हमारा सेट है वही दोबारा नहीं आता प्रॉपर में, ठीक है। इम्प्रॉपर होता है जिसमें सारे आते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर निकालना होगा, उसका फार्मूला 2^n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए में कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2^2 मतलब 4, तो टोटल सबसेट इसके कितने बने, 4 बने, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो आपको यही लिखना है कि वो इम्प्रॉपर है, और उसको आपको लिखना है 2^n होता है सबसेट। अगर प्रॉपर पूछा है तो मतलब उसमें ये नहीं आएगा, जो कि आपका सेट है वही दोबारा इस पे नहीं आएगा, तो इसीलिए हम करते हैं 2^n मतलब 2^2 4-1 जो कि 3, जो कि ये आएंगे सिर्फ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ, अब 1, 2 हमने सेट लिया था ए, ठीक है, ए सेट था हमारा 1, 2, तो ये इसका सबसेट भी है, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए मतलब क्या बोल रहे हो, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो ए में तो है ही है, ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट, ए का एलिमेंट क्या है 1 और 2, और वो ए में तो प्रेजेंट है ही, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है हर एक सेट जो है वो अपना सबसेट होता ही है हमेशा, और फाई भी जो है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, क्योंकि अगर फाई आप कहीं लगा दो तो आपको उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, वो तो खाली चीज़ है, खाली चीज़ आप कहीं भी रख दोगे फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा उससे। जैसे ए को आप 1, 2 की जगह आप ए को ऐसे लिख दो 5, 1, 2, तो तब भी ए यही रहेगा, तो फाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये बताना है कि इसमें ये सबसेट है या नहीं, मैंने बीच में डैश डाली है तो आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं। अब मैंने बोला था फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, सॉरी सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ तो ये सबसेट होगा। अब ए सबसेट है बी का वो देखते हैं, ए में एलिमेंट क्या है 1, 3, तो ए को सबसेट होने के लिए बी में भी वो एलिमेंट होने चाहिए, तो बी में तो 3 है ही नहीं, ठीक है, तो मतलब ए जो है वो बी में नहीं है, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब सी सबसेट बी का है क्या, सी में है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, लेकिन बी में 3 थोड़ी ना है, 7 थोड़ी ना है, तो सी सबसेट बी का नहीं है। अगर ऐसे पूछा होता बी है सबसेट सी का, तो बी में क्या है 1, 5, 9 और सी में भी 1, 5, 9 है, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी है, लेकिन सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये नॉट होगा। नेक्स्ट आता है ए सबसेट है क्या सी का, ए में है 1, 3, सी में भी है 1, 3, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस पे, जो कि आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं,
ठीक है। अब ये रिलेशंस क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था एन क्या होता है नेचुरल नंबर, जेड क्या होता है इंटीजर्स, क्यू क्या होता है रैशनल नंबर्स, आर क्या होता है रियल नंबर्स, ठीक है। और ये आप टी जो है ये आप रहने दो अभी, ये आप रहने दो, टी होता है वैसे इरेशनल नंबर लेकिन चलो लिख लो, टी भी क्या है, टी आपका है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको क्या एन में नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में वन से लेके आगे तक, ठीक है आ गया सारा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इंटीजर। अब इंटीजर में स्पेसिफाई नहीं किया है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सारे आएंगे जीरो से इस तरफ नेगेटिव, जीरो से इस तरफ पॉजिटिव। वैसे ही रैशनल नंबर में क्या आएगा, पी बाई क्यू, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। अब देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है, उसने बोला नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर में तो सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन से आगे, तो वन से आगे तो आ ही रहे हैं इंटीजर्स में, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे ही इंटीजर्स अगर देखा जाए तो सबसेट है क्यू का, ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्यू में आ रहे हैं। वैसे ही क्यू जो है जो कि है रियल नंबर्स का सबसेट। अब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो मतलब रियल रैशनल नंबर्स भी क्या है, सबसेट क्या है आर का, और इरेशनल नंबर भी जो है वो सबसेट है आर का। तो ये आपको रिलेशंस याद रखने हैं, याद क्या रखने हैं, आपको खुद ही पता होगा, ये आप लोग लिखोगे अगर तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, तो ये आपको डायरेक्टली कभी कभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक पॉइंट इसमें बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप देखते हो कि सेट में एक ब्रैकेट ऐसे डाली होती है, एक ब्रैकेट ऐसे डाली होती है, तो ये कन्फ्यूजन बड़ी होती है कि सर ये ओपन इंटरवल कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल कौन सा होगा, पता नहीं चलता कौन सा इंक्लूड करना है एलिमेंट, कौन सा इंक्लूड नहीं करना। तो आप लोग इतना याद रखो, किसी चीज़ को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक हमारे पास एक टीम है, हमको एक टीम बनानी है स्ट्रांग पर्सन्स की, अगर उसको हमें किसी को वहाँ पे इन्वॉल्व करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रांग पर्सन्स को लेंगे, तो इन दोनों में से स्ट्रांग कौन सा है, सर ये वाला जो है ना, इसका ये स्ट्रांग है, इसकी पीठ जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी है तो ये स्ट्रांग है। अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, ये होगा ना स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग ये होगा, इसकी पीठ सीधी है, तो ऐसे बोलेंगे हम लोग, ये स्ट्रांग है, इसको इंक्लूड करेंगे। तो जहाँ भी ये वाली ब्रैकेट होगी मतलब वो एलिमेंट इंक्लूडेड है, जैसे मैंने ये लिखा है 2 5, तो मतलब 2 इंक्लूडेड है, इसकी पीठ थोड़ी सी टेढ़ी है, ये स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 5, मतलब 2 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 इंक्लूडेड है, तो 2 यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये इंक्लूडेड है, और 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो ये आ गया 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और ये 5 माइनस 2 अगर करो तो ये 3 जो आता है ये है लेंथ ऑफ इंटरवल, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल, कि इसकी लेंथ कितनी है, इंटरवल की लेंथ है 3, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पावर सेट क्या होता है, ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सर पावर सेट वो होता है जिसमें बड़ी ज़्यादा पावर हो, अरे नहीं, पावर सेट होता है जिस जो कि सारे सबसेट मतलब सारे पॉसिबल सेट जो सबसेट जो एक बन सकते हैं सेट के, उसको बोलते हैं पावर सेट। मतलब हमारे पास अगर एक सेट है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सबको मिला के जो सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ली है, 5 इसका सबसेट है क्योंकि 5 सबसेट होता है हर एक चीज़ का, 1 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 1 और 3 भी इसका सबसेट है। तो अब इन सबको मिला के जो एक सेट बनेगा, ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रेसिस से, तो वही मैंने नीचे किया है, इन सबको मिला के जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी से, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, या पी ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, जो भी होगा। अब अगर पूछें, ये कभी कभार पूछ सकते हैं कि पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं 2 रेज टू पावर m, जैसे सबसेट में क्या था 2 रेज टू पावर n, इसमें क्या है 2 रेज टू पावर m, और m क्या है, m होता है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट हैं, मतलब आपके n ऑफ a, ठीक है, a में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, आपके 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 2 रेज टू पावर 2, इसके 4 पावर सेट बनेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पावर सेट इक्वल टू सबसेट होता है, ठीक है, तो जब 2 होगा, एन इक्वल टू 2 होगा, तो पावर सेट इक्वल टू सबसेट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपने आज हम इतना ही रखेंगे अपना पार्ट, ठीक है, सारा बेसिक कंसेप्ट जो है, हर एक बेसिक कंसेप्ट मैंने कवर कर दिया है, तो इससे बाहर अब है ही नहीं कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं है, यही चीज़ है, सारा एनसीईआरटी का पार्ट भी है इसमें, और एक्स्ट्रा पार्ट भी जो है वो भी इसमें मैंने लाया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल, एक बार आप पढ़ोगे कभी नहीं भूल पाओगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे सारे इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।